नमस्कार दोस्तों, मीत आने वाले सीरियल में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत और मीत हुड्डा एक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों बर्फी देवी जो कि देखती होती है, क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मीत हुड्डा सभी के सामने ये बोलती हैं कि अगर मुझे दो दिन में बर्फी देवी और बर्फी देवी की बेटी इस घर से बाहर नहीं मिली तो ये हकीकत हो सकता है कि पुलिस हकीकत में गिरफ्तार कर सकती है। क्योंकि अभी तक तो मैंने खाली दो दिन की वार्निंग दी है, जिसके बाद मैं खुद मीत अलावत बोलता हुआ नजर आया कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कराने की धमकी दे रही हो, जिसके बाद में मीत हुड्डा बोलती हैं कि मैं तुझे कभी भी पुलिस के हवाले नहीं कर सकती, ये तू भी जानता है, क्योंकि मैंने तुझसे सच्चे दिल के साथ में मोहब्बत की है और वाकई में मैंने जैसी मोहब्बत मैंने की है वैसी मुझे मिली नहीं, और चाहे तुम मेरे साथ में कितना भी बुरा कर ले, लेकिन मैं कभी भी तेरे बारे में बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, तेरे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती। लेकिन दोस्तों जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फिर से मीत अलावत की फीलिंग मीत हुड्डा के लिए जाग चुकी हैं, लेकिन दोस्तों इधर देख रही हैं बर्फी देवी और बर्फी देवी की बेटी कि किस तरीका से दोनों एक ही कमरे के अंदर हैं, और अब बर्फी देवी देगी बहुत बड़ा शौक। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ईशा को अब सभी बात पूरी बताने जा रही है कि आखिरकार क्या हुआ है दीप के साथ में, और दीप जो कि इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि पूरे ही घर वालों को बताने जा रही है बर्फी देवी। बर्फी देवी शुरू से तो चालाक थी, लेकिन उसने जो अब दाब पेच खेलना स्टार्ट किया है वाकई में बहुत गंदा दाब पेच है, और उस दाब पेच के लिए आप लोग जानते ही हैं कि लगातार अब वो टारगेट करती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि मीत अलावत की सज़ा जो देगी अब वो उसकी बहन को देगी, यानी कि ईसा को। इधर बात की जाए तो मासूम को इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और पूरा घर इस समय मासूम के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मासूम ने जो गलती की है अब उसकी गलती की सज़ा उसको दे दी है और बाकायदा इस घर से भगा दिया है हमेशा हमेशा के लिए। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।